रविवार को कोरोना के संक्रमण के चलते स्थानीय एकता विहार कॉलोनी वासी 40 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। वह पहले से ही थायराइड की बीमारी से ग्रस्त थी। सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया कि जिले में रविवार को कुल 8 केस पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। वहीं 2 केस डिस्चार्ज भी किए गए हैं। पॉजिटिव केसों में स्थानीय विकास नगर में 23 वर्षीय युवक, रिफाइनरी रोड के लक्ष्मी रेजिडेंसी के 45 वर्षीय पुरुष, स्थानीय बबैल रोड के छोटू राम चौक से 52 वर्षीय पुरुष, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री यूके की पाई गई है। वहीं कवि गांव के 20 वर्षीय युवक, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री रूस, नई अनाज मंडी समालखा के 21 वर्षीय युवक की ट्रैवल हिस्ट्री रूस मिली है। न्यू मॉडल टाउन पानीपत की 21 वर्षीय युवती, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री रूस मिली है। रिफाइनरी टाउनशिप की 51 वर्षीय महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। रविवार को मतलोडा के 27 वर्षीय पुरुष व गांव सोंधापुर के 53 वर्षीय पुरुष को डिस्चार्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कोविड-19 के कुल 7,128 सैंपल अभी तक लिए गए हैं, जिसमें से 6,884 की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। रविवार को 80 सैंपल भेजे गए हैं, 120 रिपोर्ट्स का परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह पानीपत में अब तक कुल 134 केसों में से 38 केस एक्टिव हो गए हैं, 90 केस रिकवर हो चुके हैं व महिला की डेथ मिलाकर पानीपत में कोरोना की वजह से हुई है छठी मौत है। आज हमारे 7 पॉजिटिव केस निकले, इनमें से 3 रशिया के स्टूडेंट्स हैं, एक पुरुष जो है वो यूनाइटेड किंगडम से आया हुआ है और एक स्कूल टीचर है जो कि अपना ट्रीटमेंट पर्पस के लिए इसने टेस्ट करवाया था और उसमें पॉजिटिव पाई गई थी। इसने सर्जरी करवानी थी, वो IOCL में रहती है और उसको प्रेम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जो 3 रशिया के स्टूडेंट्स थे वो इसे सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है यहाँ पे रखे गए हैं। इसके अलावा एक और पुरुष जो है वो पूना का रहने वाला है, इंजीनियर है और वो IOCL के अंदर बिजनेस पर्पस के लिए आया था, तो यहाँ के प्रबंधकों ने कहा कि अपना टेस्ट करवा लो, जिसके दौरान वो पॉजिटिव पाया गया और उसको एक यहाँ प्राइवेट होटल के अंदर ये भी रखा हुआ है। एक और पुरुष है जो जिसको रीनल स्टोन है और वो भी सिविल हॉस्पिटल में रखा गया, वो भी पॉजिटिव पाया गया। इसके अतिरिक्त एक और महिला जो लगभग 40 साल की है, वो सीरियस कंडीशन में खानपुर कला में वहाँ पहुँची है और वहाँ पहुँचने से पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में उसका टेस्ट किया गया जो पॉजिटिव पाई गई है। वो एकता विहार कॉलोनी की रहने वाली। क्या रही सर, जो रशिया से आया, यूनाइटेड किंगडम से आया? जो रशिया से आए हैं वो वहाँ स्टूडेंट रहे हैं वो, और वो यहाँ आके रुके हैं, यहाँ पानीपत के रहने वाले हैं, यहाँ होटल में पहले रुके थे, उसके बाद में उनको यहाँ लिया गया टेस्ट के बाद। वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, भी उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो रिकवरी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी फिर इनको भेज देंगे। सर, जिस महिला की डेथ हुई है उससे पहले कोई बीमारी? हाँ, उसकी जो अभी पूरी डिटेल अभी लेनी है, लेकिन हाइपोथायरायडिज्म की प्रॉब्लम उसमें बताई गई है। जी, यूनाइटेड किंगडम वाला जो है वो 52 साल का व्यक्ति है और वो भी अपने वहीं से आया है। ये क्या करता है ये नहीं मालूम है, लेकिन ये यहाँ पे अपने घर पे आइसोलेशन में रखा गया है इसको। सर, आपके यहाँ अभी फिलहाल कितने केस हैं जो यहाँ सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है, और जिस जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं तो आप अपनी फैसिलिटीज का क्या करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे? अभी हमारे पास 15-16 केसेस जो इलाज करवा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर। फैसिलिटी जहाँ तक बढ़ाने की बात है, वो हमने समालखा में भी कुछ बेड्स, 16 बेड्स आइसोलेशन के और बढ़ा दिए हैं समालखा सिविल हॉस्पिटल के अंदर। और जो NC मेडिकल कॉलेज है उसको टेकअप करने के लिए पूरी प्रोसेस हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और शीघ्र ही उसको टेकअप कर लिया जाएगा और वहाँ पे पॉजिटिव केसेस वहाँ पे रेफ़र किए जाएं, जिसमें 500 से ज़्यादा बेड्स होंगे वहाँ। इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 1200 से ज़्यादा बेड्स हो जाएंगे। 700 पहले हैं, 500 ये ऐड होने के बाद 1200 से ज़्यादा बेड्स हो जाएंगे।
सर, अभी जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, सावधानी, अभी जो लोकल डॉक्टर हैं वो भी बुखार का इलाज कर रहे हैं, जुकाम का इलाज कर रहे हैं, उसके बाद जो लोकल हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो भी कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो भी डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनको पूरा सतर्क होकर काम करना होगा, और कोई भी ऐसा डाउटफुल केस मिलता है तो उसको शीघ्र जो है ना उसका टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि जो है ना आने वाले